Illustration number 17. Arshad and Ashraf were in need of funds. Arshad और Ashraf दोनों को पैसों की जरूरत है. Therefore, on 1st June 2015 को Arshad accepts a bill for rupees 5,000 drawn on him by Ashraf at 3 months. 1st June 2015 को अर्शद ने बिल एक्सेप्ट किया. ड्रॉ किसने किया? अशरफ ने. अशरफ ने अर्शद के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, आप इसको कम्प्लीटली रीड कर लें. ठीक है, नोट कर लें. मैं साथ रीड करूंगा और इसको सोल्व करूंगा. तो बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी देखिए आप. 1st June 2015 बिल ड्रॉ जब करेगा अशरफ अर्शद के ऊपर तो क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट और अर्शद अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया? 5,000. अर्शद भी ड्रॉ है. ठीक है, 1st June 2015 डेट्स आप लोगों ने खुद देखनी है. अगर मैं गलत भी लिख दूं तो आप लोगों ने ठीक कर देना. अशरफ अकाउंट को डेबिट करेगा. सेल परचेज की एंट्री आप करना चाहें तो कर लें और बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट करें. इतनी अमाउंट से 5,000 बिल ड्रॉ हो गया. उसके बाद अशरफ गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम बाय हिज बैंक. अशरफ ने बिल जो है वो डिस्काउंट करवा. ठीक है, 12% जो है उसकी परसेंटेज है डिस्काउंट की. और बिल है जी आपका 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का डिस्काउंट होगा. ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. ठीक है, डेट पे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. बैंक की आप बनाना चाहें तो बना लें अपने आसानी के लिए. ठीक है, डिस्काउंट आएगा जी. डिस्काउंट की अमाउंट है 150. बैंक में कितनी अमाउंट आई? 4850. बिल रिसीवर कितने से क्रेडिट हुआ? 5,000 से. ठीक है, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं. डिस्काउंट हमने कैसे निकाला? 5,000 पे हम लोगों ने क्या किया? रेट अप्लाई किया. ठीक है, और 3 महीने का बिल था मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, इसके बाद एंड लिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू अर्शद. और हाफ जो अमाउंट है ना वो किसको भेज दिया? अर्शद को. तो भेजें इसको हाफ अमाउंट. डिस्काउंट भी आपने हाफ करना है. अर्शद को डेबिट करेगा. अर्शद अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? हाफ अमाउंट कितनी बनती है? 5,000 कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को मैंने बताया आप क्रेडिट करेंगे. ठीक है, कैश कितना? डिस्काउंट का हाफ कितना होगा? 75. अमाउंट कितनी गई? 2425. अर्शद क्या करेगा अपनी बुक में? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और अशरफ को क्या करेगा? क्रेडिट. कैश कितना है जिसके पास? 2425. 75 डिस्काउंट है. डिस्काउंट भी शेयर होता है हाफ 2500 से क्रेडिट. उसके बाद ऑन द ड्यू डेट पे हाउएवर अशरफ वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रिमिट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द अमाउंट टू अर्शद. ड्यू डेट में जो है अशरफ ने हाफ अमाउंट अर्शद को नहीं भेज सका. रादर ही एग्रीड टू एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹3,000 ड्रॉन बाय अशरफ फॉर 3 मंथ्स. अब अशरफ ने हाफ अमाउंट नहीं भेजी. क्या किया? अपने ऊपर बिल ड्रॉ करवा दिया. ठीक है, तो ड्यू डेट पे अब अर्शद बिल ड्रॉ करेगा अशरफ के ऊपर. ड्यू डेट क्या बन रही है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. 4 सितंबर 4 सितंबर 2015 बिल ड्रॉ करेगा जी अर्शद. बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट करेगा और अशरफ अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट. कितनी अमाउंट का जी? 3,000. अशरफ का बिल ड्रॉ है तो ये क्या एंट्री करेगा? अर्शद अकाउंट को डेबिट और बिल पेपर अकाउंट को क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? 3,000 से. उसके बाद which Asher discounted for ₹2,900 at his बैंक and met his acceptance. अर्शद ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है अपना। डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो 100 है, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो बता दिया, 2,900 आए और अपनी एक्सेप्टेंस जो है पे कर दिया। तो पे कर दीजिए, बैंक से पहले बिल डिस्काउंट करवाया इसी डेट पे। क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बैंक में कितनी अमाउंट आई, 2,900, डिस्काउंट कितना 100, बिल रिसीव कितने से डेट होगा 3,000 और अब ये अपना बिल पे कर देगा इसी डेट पे। बिल पेबल अकाउंट डेबिट करेगा, ये वाला बिल जो अपना पे करेगा और कैश या बैंक अकाउंट को ये क्रेडिट कर देगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी है, बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, बैंक ने, ठीक है। उसके बाद बिफोर द सेकंड बिल वाज ड्यू फॉर पेमेंट, सेकंड बिल की ड्यू डेट से पहले, ठीक है। अभी सेकंड बिल की ड्यू डेट नहीं आई। अशरफ became insolvent and dividend of 50 पैसा in rupee was only received from his estate. ये 50 पैसा का मतलब है सॉरी 50 पैसा का मतलब है कि 50% अमाउंट जो है ना उससे रिसीव, ठीक है। वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक ने कोर्ट ने उसको जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब डेट के कॉलम में आप लिखेंगे बिफोर ड्यू डेट, डेट अब आपने नहीं लिखी, सिर्फ लिखेंगे बिफोर ड्यू डेट क्योंकि ड्यू डेट से पहले वो कह रहा है इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब अशरफ जो है वो इंसॉल्वेंट होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो बिल जो है वो क्या होगा, डिसऑनर होगा, एंट्रीज क्या होंगी, रिवर्स होंगी, ठीक हो गया। तो आप एंट्रीज को सबसे पहले रिवर्स करें, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अर्शद किसको पकड़ेगा, अशरफ को, बिल डिसऑनर होने लगा, ये वाला बिल डिसऑनर होने लगा, ठीक है। अर्शद किसको पकड़ेगा, अशरफ को बिफोर ड्यू डेट और क्रेडिट किसको करेगा, बैंक को, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। कितनी अमाउंट है इस बिल की, 3,000। ये सेकंड बिल जो ड्रा हुआ है ये अशरफ ने पे करना था, तो अशरफ जो वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, वो नहीं पे कर सका। अभी हम बिल डिसऑनर करने की एंट्रीज कर रहे हैं। अशरफ क्या करेगा, रिवर्स करेगा, बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और अशरफ अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट, ठीक है। ये बिल डिसऑनर का हमने एंट्रीज जो है वो रिवर्स कर दी। उसके बाद अब उसके जो उससे जो है ना 50% अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अमाउंट कितनी लेनी है उससे, जब भी कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होती है, ठीक है, तो उसका क्या बनाया जाता है, लेजर अकाउंट या अकाउंट, एक ही बात है। अब अशरफ इंसॉल्वेंट हुआ है तो इसका लेजर अकाउंट बनेगा, किसकी बुक से, अशरफ की बुक से। डेबिट बैलेंस जब निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसे कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, ठीक है। और 50% इससे जो है वो टोटल अमाउंट का रिसीव होगा, जितना भी आपने रिसीव करना है। वो कैसे पता चलेगा, पहले आप लेजर अकाउंट बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने से कितना रिसीव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका 50% जो आपको रिसीव हो गया, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज एंड गिव अशरफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अशरफ। अब ये बता दिया गया कि आपने अशरफ का अकाउंट बनाना है अशरफ की बुक में। अगर वो ना भी कहता तो जो पार्टी इंसॉल्वेंट होती है उसका अकाउंट बनेगा दूसरी पार्टी की बुक से, ताकि पता चल सके इसे कितना रिसीव करना है। अगर इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा दैट मीन्स कि आपने इसे रिसीव करना है, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा दैट मीन्स आपने इसको पे करना है। अब हमने एंट्रीज रिवर्स कर दी, अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है। लेजर अकाउंट आपने किसका बनाना है, अशरफ का, अशरफ की बुक में, ठीक है। अशरफ अकाउंट बनाएगा तो बनाएंगे जी हम अशरफ की बुक से। सबसे पहले अशरफ कहां पे है, डेबिट में, बिल पेबल डेबिट अगेंस्ट अकाउंट लिखना, कितना है 5000। फिर अशरफ अकाउंट क्रेडिट में, अगेंस्ट है कैश और डिस्काउंट, कितनी अमाउंट है 2425 एंड 7 उसके बाद अशरफ न्यूज जो है फिर हेड में, ठीक है, अगेंस्ट का उसकी प्रीवियस ईयर कितनी अमाउंट है 3000। उसके बाद अशरफ जो है वो डेबिट में है, अगेंस्ट का उसकी बैंक कितनी अमाउंट से 3000। अब आपने सबसे पहले देखना है कि डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट साइड ही बड़ी होगी, ठीक है। 8000 इज डेबिट साइड का टोटल 8000। अब आपने क्रेडिट साइड को माइनस करना है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपने से कितना रिसीव करना है रिमेनिंग, ठीक है। तो रिमेनिंग आपने से रिसीव करना है 2500, या अलग नोट कर लें पेज पे। 8000 में से क्रेडिट साइड को माइनस किया, कितना रिसीव करना है 2500, ठीक है। अब इससे रिसीव कितना हुआ है, अब लेजर काउंट से हमें पता चल गया कि हमने इससे रिसीव कितना करना है 2500। डेबिट बैलेंस ये शो करता है कि आपने इसे रिसीव करना। क्रेडिट बैलेंस अगर निकलता दैट मींस आपने इसको पे करना, ठीक है। 50% रिसीव हुआ है तो इसका 50% क्या होगा 1250। तो करेंट ईयर की बुक में एंड कैश कितना रिसीव हुआ है 50%, कितना बना इसका 1250। जो अमाउंट नहीं रिसीव हुई वो क्या होगा बैड डेट्स, ठीक है। आप इसको पूरा लिख सकते हैं B.DB लिख सकते हैं, इसका मतलब है बैड डेट्स कितने हो गए 1250। और अशरफ का अकाउंट कितनी अमाउंट से खत्म करना है, पूरी अमाउंट से। अशरफ को क्रेडिट करना है पूरी अमाउंट से, कितनी है 2500 टोटल रिसीव हुआ। जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होती है, ठीक है, तो जितनी अमाउंट उससे रिसीव होती है वो लिख के हम बाकी अमाउंट जो रिसीव नहीं होती उसको हम बैड डेट्स लिख देते हैं बुक में कि वो रिसीव नहीं होगी, और फिर हम उसका अकाउंट क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब अशरफ क्या करेगा अपनी बुक में एंट्रीज, अशरफ को डेबिट करेगा कितनी अमाउंट से 2500 से। अच्छा, आपने अशरफ का अकाउंट बनाया तो निकला रिसीवेबल 2500। जब आप अशरफ का अकाउंट बनाएंगे अशरफ की बुक में, ये आपने बना के देखना, तो जितना इसका रिसीवेबल निकला उतना ही इसकी बुक में इसके लिए पेबल निकलेगा, ठीक है। ये आपने खुद करना, ठीक है। अब अशरफ को डेबिट किया 2500 से, कैश कितना पे किया जी इसने 50%, 50 पैसा मतलब 50%, और रिमेनिंग और कहाँ पे चलेगी इसकी डेफिशिएंसी अकाउंट 1250। ये illustration, और अब ये लास्ट आपने अकाउंट जो है क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, अशरफ क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है कैश और बैड डेट्स कितने हैं 1250। ये इसका बैलेंस जो है मेल हो गया, डेबिट और क्रेडिट साइड हमने क्या कर दी इक्वल कर दी, ठीक हो गया। इसको आप नोट करें।